नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी और हम बात कर रहे हैं हमारे फैंटास्टिक सब्जेक्ट बायोलॉजी के बारे में। सो वेलकम बैक टू द चैनल योयो बायो। हमारे आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं बच्चों के बारे में। बच्चों में खास करके वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राम श्याम, गीता सीता, गीता बबीता, चंगू मंगू, चराना डाना। ओके, यानी हम बात करने वाले हैं जुड़वा बच्चों के बारे में। एनीवे, जोक्स अपार्ट, किसी का मजाक नहीं बनाना है हमको, खाली टॉपिक अच्छे से मजेदार तरीके से समझना है बेटा। ट्विंस, ये जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट, इनके टाइप्स, इनका मैकेनिज्म क्या है, सो उस बारे में देखेंगे। अब ट्विंस का कैसा है ना बच्चों, ट्विंस से रिलेटेड टोटल तीन टाइप होते हैं। एक होता है मोनोसाइगोटिक ट्विंस, नेक्स्ट एक होता है कंजॉइंट ट्विंस, और एक होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस। अच्छा, पहली बात ये याद रखो, देखो ट्विंस का मतलब जुड़वा नहीं। जैसा हम लोग हमारे देश में देखते हैं पिक्चर, जुड़वा पिक्चर, एक हीरो ऐसा हाथ उठाता है तो दूसरा भी हाथ उठाता है, ये कूदेगा तो वो भी कूदेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो कॉन्सेप्ट अलग है बेटा, ओके, वो काल्पनिक है, वो रियल लाइफ है, रियल, बट रियल लाइफ में अलग होता है बेटा। अब रियल लाइफ में ट्विंस का मतलब क्या होता है, ट्विंस का मतलब ये होता है दो बच्चे जो एक साथ गर्भ के अंदर, यूटरस के अंदर ग्रो हो रहे हैं और जिनका जन्म एक साथ एक ही दिन में होता है बेटा, उनको हम लोग ट्विंस बोलते हैं। फिर चाहे ये एक दूसरे की तरह दिखे या ये एक दूसरे की तरह ना दिखे, यानी लड़का और लड़की भी ट्विंस होते हैं। ट्विंस यानी जुड़वा, सेम टू सेम दिखेगा, जेरोक्स कॉपी है, ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। ओके, सो हियर व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज ट्विंस का मीनिंग इज टू फीटस, फीटस मींस बच्चू, टू फीटस विच आर ग्रोइंग साइमल्टेनियसली इनसाइड द सेम यूटरस एंड दे आर बॉर्न एट द सेम टाइम। अब नॉर्मली क्या होता है ना बेटा, नॉर्मली स्पर्म ओवम के साथ कंबाइन होता है और पहला सेल बनाता है जिंदगी का, ये उसका न्यूक्लियस, द सिंगल सेल इज कॉल्ड एज जायगोट। जायगोट अपने आप में छोटा सा सेल होता है, सेल यानी छोटा ना, माइक्रोस्कोपिक। एक जमाने में हम सब का सब हमारे माँ के गर्भ में कित्तू सा था, इत्तू सा था, दैट इत्तू सा सेल इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज जायगोट। फ्रॉम दैट इत्तू सा सेल, लुक, वी हैव बिकम कित्तू सा। अब होता यह है, ये जो सिंगल सेल है जायगोट, ये डिवाइड होता है, और ये जब डिवाइड होगा ना, ओके, ये अंदर जायगोट है, ये उसका कवरिंग है बेटा, ये जब डिवाइड होगा तो ये दो सेल बनाता है, फिर वो दो सेल और ज्यादा डिवाइड होंगे तो वो चार सेल बनाएंगे, चार सेल और ज्यादा डिवाइड होंगे तो ऐसे बेटा आठ सेल बनेगा, सोलह सेल बनेगा, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स बनते जाते हैं। फिर जब बहुत सारे सेल्स बन चुके होते हैं तो उनमें से कुछ सेल्स, कुछ लेयर बच्चे का सिर बनाएंगे, बच्चे का हाथ बनाएंगे, कुछ सेल्स बच्चे का पैर बनाएंगे, तब जाके पूरा का पूरा बच्चू रेडी होता है। ये नॉर्मल मैकेनिज्म, ये पहला कॉन्सेप्ट याद रखो। दूसरा कॉन्सेप्ट ये याद रखो, हर फीमेल में एक ओवरी एक महीने में एक ओवम बनाता है, फीमेल के पास दो ओवरी है, सो हर महीने में एक ओवरी सिर्फ एक ही ओवम बनाएगा। सो इस महीने इस वाले ओवरी ने एक ओवम छोड़ा, ओविडक्ट में गया, तुझे डायग्राम दिख रहा है ना बेटा, ओके, फिर अगले महीने में ये वाला ओवरी ओवम बनाएगा, फिर अगले महीने में ये ओवरी, तो ये ऑल्टरनेट करते रहते हैं चांस बाय चांस, ओके, सो ये नॉर्मल है। अब मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होगा ना, मोनो मीन्स सिंगल और जाइगोटिक मतलब जाइगोट, तो यहां पर दोनों बच्चे सिंगल जाइगोट से बनते हैं। सो जिस तरह से नॉर्मल हमने पढ़ा ना, वैसे ही शुरू करते हैं,
स्पर्म ओवम के साथ कंबाइन होगा और सिंगल सेल बनेगा जिसको बोलते हैं जाइगोट। ओके, अब ये जो जाइगोट है ये डिवाइड होगा दो सेल्स में। अब दो सेल से चार बनना चाहिए बट ये स्टेप में गड़बड़ होता है। अब दो सेल से चार सेल्स नहीं बनते, ये दोनों सेल सेपरेट हो जाते हैं। और ईच ऑफ देम विल नाउ बिहेव एज एन इंडिविजुअल जाइगोट, और ये वापस से जाइगोट की तरह बिहेव करने लगते हैं। सो नाउ ईच सेल starts behaving as a zygote. ठीक है, अब यहां से प्रोसेस वापस से ये लो, सिंगल सेल है zygote, सो ये अपने आप में वापस से डिवाइड होगा दो सेल में, ये भी डिवाइड होगा दो सेल बनाएगा। ठीक है, फिर बेटा ये चार सेल बनाएगा, ये भी चार सेल्स बनाएगा बेटा। ऐसा कर करके ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएगा, इसमें से एक बच्चू बनेगा और ये डेवलप होगा दूसरे बच्चू में बेटा, राइट। अब ये दोनों भी बच्चू अल्टीमेटली आए कहां से हैं? ये आए हैं सिंगल जाइगोट से, इसलिए मोनो का मतलब सिंगल और जाइगोटिक का मतलब जाइगोट। सो ये दोनों भी बच्चे सेम जाइगोट से बने हैं और ये दोनों सेम टाइम पर पैदा होते हैं और ये दोनों या तो फिर बोथ आर बॉयज, या तो दोनों लड़के निकलते हैं, और बोथ आर गर्ल्स, या तो फिर दोनों लड़कियां होती हैं। और इसकी स्पेशल बात ये है कि ये दोनों एक दूसरे की तरह दिखते हैं, इसलिए इसको आइडेंटिकल ट्विंस भी बोलते हैं। ओके, इतना समझा बेटा? चलो अब आगे बढ़ते हैं। और ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस ना फर्टिलाइजेशन के आठ दिन पहले होता है बेटा। समझो अभी स्पर्म ओवम कंबाइन हुआ और जाइगोट बनाया, अब आठ दिन के अंदर ही ये जाइगोट के दोनों सेल से सेपरेट हो जाएंगे, तब जाके इस तरह का कंडीशन होगा। बट अगर यही कंडीशन आठ दिन के बाद हो रहा है, इट इज आफ्टर एट डेज, आफ्टर एट डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, सेम कॉन्सेप्ट पिकअप करते हैं, स्पर्म कंबाइन हो रहा है ओवम के साथ, सिंगल सेल बन रहा है जिसका नाम है जाइगोट, ये जाइगोट डिवाइड होगा और दो सेल्स बनाता है। ओके, अब ये दोनों सेल सेपरेट होते हैं बट देयर इज इनकम्प्लीट सेपरेशन। ये देखो, सो ये पूरी तरह से सेपरेट हो नहीं पाए। अब ये इंडिविजुअल जाइगोट की तरह बिहेव करेगा, ये दो सेल बनाएगा बेटा, ये भी इंडिविजुअल जाइगोट की तरह बिहेव करेगा, ये भी दो सेल बनाएगा। ऐसा कर करके फिर ये दो सेल चार सेल बन जाएंगे बेटा। ओके, यहां भी चार सेल बन जाएगा, बॉल ऑफ सेल बनेगा, उस हिसाब से एक बच्चू इस तरफ को बनेगा और एक बच्चू इस तरफ को बनेगा बेटा। इस तरह के ट्विंस बचपन से ही जुड़े होते हैं, इसलिए इसको कंजॉइंड ट्विंस बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है सायामीज ट्विंस, और इसमें अलग अलग पैटर्न आता है। सिफेलिक फ्यूजन, यानी दोनों का ब्रेन कॉमन रहता है, दिमाग से चिपके रहते हैं। फिर है ना, थोरैसिक पार्ट भी ऐसे रहता है, दोनों बच्चों का चेस्ट और एब्डोमेन सेम है। फिर बैक टू बैक फ्यूजन भी रहता है, एक बच्चा ऐसा है ओके और दूसरा बच्चा ऐसा है, सो दोनों का स्पाइनल कॉर्ड सेम रहता है, कॉमन रहता है। अब ऐसे मामले में अक्सर है ना सेपरेशन सर्जरी कराना पड़ता है, और ये सेपरेशन सर्जरी अपने आप में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, और इसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में कैसा है ना कि दोनों बच्चों को बचाना मुश्किल हो जाता है,
आइडियली डॉक्टर कोशिश करता है कि सारे ऑर्गन्स को, सोचो ना अभी ये मामले में दोनों का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट्स कॉमन है, तो उसको सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। ये इतना आसान नहीं है कि यूं काट दिया, ऑन टेबल ऑपरेशन टेबल में एक सर्जन को नर्व्स को अलग करना पड़ता है, न्यूरॉन्स को, बोन्स को, मसल्स को, ओके ऑर्गन्स को, सबको अलग करना वेरी डिफिकल्ट। एक बच्चा बच जावे इसके चांसेस कम रहते हैं, और वेरी अनफॉर्चुनेटली कई बार दोनों बच्चों का भी डेथ हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज कंजॉइंड ट्विंस, आल्सो कॉल्ड एज साइमीज ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस इसके ऑपोजिट जाता है। नॉर्मल रूल क्या कहता है कि एक ओवरी एक महीने में एक ही ओवम बनाता है, बट कुछ फीमेल्स में दोनों ओवरी, समझो लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी, दोनों ओवरी से एक एक ओवम निकल रहा है। अब हम लोग जानते हैं स्पर्म्स तो मिलियंस में होते हैं, सो एक स्पर्म इसके साथ कंबाइन होगा बेटा और एक स्पर्म इसके साथ कंबाइन होगा, सो यहां पर एक जायगोट बनेगा, यहां एक जायगोट बनेगा, ये जायगोट आगे चल के एक बच्चू में कन्वर्ट होगा और ये जायगोट आगे चल के एक बच्चू में कन्वर्ट होगा, ओके। बट ये दोनों भी बच्चू अलग अलग जायगोट से बने, यहां ये दोनों भी बच्चू सेम जायगोट से बने थे फ्रॉम सिंगल जायगोट, इसलिए इसको मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते थे। सिंस दे आर फॉर्म फ्रॉम टू डिफरेंट जायगोट, इसलिए इसको बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। अब ये डाइजाइगोटिक ट्विंस में कैसा है ना, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रैटर्नल ट्विंस। नॉन आइडेंटिकल और फ्रैटर्नल का मतलब क्या होता है, यानी या तो फिर दोनों लड़के होंगे बट एक दूसरे की तरह नहीं दिखेंगे, क्यों, क्योंकि अलग अलग जायगोट से बने, अलग अलग स्पर्म और ओवम से बने, और ये दोनों सेम जायगोट सेम स्पर्म और ओवम से बने थे इसलिए एक दूसरे की तरह सेम दिखते हैं बेटा। सो या तो दोनों लड़के होंगे या तो दोनों लड़कियां होंगी, या तो फिर एक लड़का होगा और एक लड़की होगी। अगर दोनों लड़कियां हैं तो फिर भी ये अलग अलग दिखेंगे, और अगर एक लड़का और एक लड़की है तो फिर भी अलग अलग ही दिखेंगे ना, लड़का लड़की तो अलग अलग ही दिखता है बेटा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिया बेटा, ऑल राइट। चलो इसको रफ कर देते हैं, अब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमको ये याद रखना है कि ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अटैक करती हैं, उन डिजीज को हम लोग बोलेंगे एसटीडी। एसटीडी का फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब ये होता है, समझो हस्बैंड वाइफ में से अगर एक को वो बीमारी है तो ये जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करेगा अपने वाइफ के साथ तो उसको भी हो जाएगा, यानी ये बीमारी सेक्सुअल रूट सेक्सुअल माध्यम से फैलती है बेटा, इसलिए इसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब इसमें हम लोग तीन डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला डिजीज है एचआईवी एड्स। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और एड्स होता है इस वायरस के वजह से, दैट इज एचआईवी वायरस, फुल फॉर्म इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी
वायरस, ये वायरस फैलता है बिकॉज ऑफ हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स. ओके, सो इंडिविजुअल्स जो आर हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स और उनके एक पार्टनर को भी अगर एड्स है, सो बाकी सबके साथ जिसके साथ वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रखता है उन सबको मिलेगा एड्स, वो भी फ्री 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 ऑफर है. ओके, सो यू शुड नॉट हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स. सेकंड, ये फैलता है ब्लड के माध्यम से. जब भी हम लोग समझो अगर बाल बनाने जाते हैं, बाल कटाने जाते हैं, तो रेजर का इस्तेमाल करते हैं. ओके, ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं. हॉस्पिटल में जब इंजेक्शन लेते हैं तो उसमें जो नीडल होता है, सो ये नीडल है, ब्लेड्स है, ये हमको हमेशा चेंज करना चाहिए. अगर समझो एक नीडल से मैंने इंजेक्शन लिया, वही नीडल से मैं दूसरे को इंजेक्शन दूं और बोलूं चलता है, ऑल इंडियंस आर अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देन नो, ऑल इंडियंस आर नॉट अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. वी शुड नॉट शेयर नीडल्स, सिरिंजेस एंड ब्लेड, बिकॉज अगर किसी एक को इन्फेक्शन है उसके बॉडी में, अगर HIV वायरस है तो दूसरे के बॉडी में भी चले जाएगा. ओके, आगे, अब टेक्स्ट बुक में जो डिजीज दिया है अदर देन एड्स, इज दिस अ डिजीज कॉल्ड सिफिलिस. ये डिजीज होती है बैक्टीरिया की वजह से, और इस डिजीज में ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ना शैंकर आता है. शैंकर का मतलब अल्सर, यानी छाले पड़ जाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे. सो मेल के रिप्रोडक्टिव प्राइवेट पार्ट्स पे और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनके प्राइवेट पार्ट पे छाले पड़ जाएंगे. अच्छा, और तो और क्या होता है, स्किन रैश आता है, स्किन लाल हो जाएगा, जॉइंट्स में सूजन आता है जिसको बोलते हैं आर्थराइटिस, बाल झड़ने लगता है जिसको बोलते हैं एलोपेशिया, और इसमें बहुत तेज बुखार आता है जिसको बोलते हैं फीवर. ओके, सो ये उसके सिम्टम्स हैं, ये हमको याद रखना है, इस बीमारी को बोलते हैं सिफिलिस. थर्ड डिजीज इज कॉल्ड एज गोनोरिया. गोनोरिया नाम का डिजीज भी बैक्टीरिया की वजह से होता है, और गोनोरिया का स्पेशल सिम्टम यह है कि इसमें पेशेंट को यूरिन पास करने के टाइम बहुत दर्द होता है. सो द पेशेंट विल हैव पेनफुल यूरिनेशन. बहुत से पेशेंट ये बोलते हैं कि यूरिन पास करने के टाइम बहुत जलन हो रहा है, जलन महसूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज बर्निंग यूरिनेशन. बहुत से लोग ये कहते हैं कि पेनिस में से और वजाइना में से, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में से, व्हाइट स्टिकी डिस्चार्ज निकलता है जिसको बोलते हैं पस. सो वी कैन से पस और व्हाइटिश डिस्चार्ज फ्रॉम यूरेथ्रा, और इसमें भी दिस इज एसोसिएटेड विद वीकनेस एंड फीवर. और इसमें से कोई भी बीमारी अगर एक पेशेंट को है और अगर वो सेक्सुअल कांटेक्ट करता है किसी और के साथ, तो उसमें भी वो बीमारी चली जाएगी, बिकॉज ये बीमारी फैलती है सेक्सुअल माध्यम से. इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू नो. नेक्स्ट, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड अ छोटू सा टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर लेफ्ट इज फैमिली प्लानिंग. फैमिली में हम कितने बच्चे पैदा करेंगे ये प्लान करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जिस तरह से तरह तरह की कंट्री जूझ रही है एक प्रॉब्लम से जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब होता है कि पॉपुलेशन बहुत ही कम समय में बहुत ही तेजी से बढ़ गया. जिस तरह से एक बम फटता है ना, वैसे आबादी फट रही है, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. 1901 में हमारा पॉपुलेशन था 2011 में इंडिया का पॉपुलेशन हो गया 4 नंबर बन गया, फोन नंबर जैसा हो गया. इतना अपना पॉपुलेशन, सर ये कितना नंबर है, लाख करोड़ 100 करोड़ छोड़ना,
कैसा पढ़ने का, ये कितना यूनिट, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, इतना नहीं पढ़ने का, इतना याद रखो, ज्यादा था अब बहुत ज्यादा हो गया, इजी कैलकुलेशन, कितना है देश का पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा, बहुत मींस बहुत ज्यादा, तो ये आबादी फट रहा है, इतने कम समय में हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पॉपुलेशन की जो गिनती होती है ना उसको सेंसिस बोलते हैं। सेंसिस इज पॉपुलेशन काउंट विच इज डन एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल में ये गिनती होती है। पॉपुलेशन की जो पढ़ाई होती है उसको डेमोग्राफी बोलते हैं। तो डेमोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट, पॉपुलेशन की वजह से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उसके वजह से इंसान इस धरती पे ज्यादा से ज्यादा प्रदूषण कर रहा है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, इसके वजह से जॉब नहीं, नौकरी नहीं मिल रहा है, सो देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी आ रही है, देयर इज पॉवर्टी। ओके, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम फैमिली प्लान करें, कि एक हस्बैंड वाइफ को प्लान करना चाहिए कि उसको कितने बच्चे पैदा। देखो हमारे देश में ये बहुत ही कॉमन सी कहावत है कि हम दो हमारे दो, आज के पीढ़ी में हम लोग यही मानते हैं, हम दो हमारे दो। तुम है ना, अभी एक काम करो, तुम अपने मम्मी से पूछो, मम्मी मम्मी हमारे दादा दादी नाना नानी और हमारे पर दादा और पर नानी जो थे उनको कितने बच्चे, कमाल का नंबर मिलेगा। हमारे जो दादा दादा के दादा, जैसे हम लोग मानते हैं ना, हम दो हमारे दो, हम दो ही बच्चा पैदा करते हैं ना, उस जनरेशन में बहुत बच्चा पैदा किया जाता। हम बोलते हैं हम दो हमारे दो, वो लोग मानते थे हम दो हमारे, गिन लो कितने बच्चे हमारा परिवार होता है, वो लोग 9 बच्चे 10 बच्चे, और बहुत प्राउडली बोला करते थे पुराने जमाने में हमारे एंसेस्टर्स, हमारे 9 बच्चे थे, हमारे 10 बच्चे थे, हमारे 11 बच्चे थे। तो कभी कभी बायोलॉजी के हिसाब से यही लगता है कि हम परिवार बना रहे कि तालुका बना रहे, समझ रहे हो। सो इसीलिए आज के आबादी को देखते हुए, सीइंग द पॉपुलेशन ऑफ टुडे, माय डियर स्टूडेंट्स, यू शुड रिमेंबर, वी शुड नॉट इवन फॉलो हम दो हमारे दो, वी शुड फॉलो हम दो हमारा एक, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड अगर तुम में स्टेबिलिटी है और अगर तुम कंफर्टेबल हो, देन यू शुड थिंक अबाउट सेकेंड चाइल्ड। एंड वेन यू थिंक अबाउट सेकेंड चाइल्ड, इट्स लाइक किसी भी मोबाइल ऐप से जब एग्जिट करते हो ना, तो तुमसे पूछता ना, आर यू श्योर। सो उसी तरह से इफ यू आर थिंकिंग अबाउट सेकेंड चाइल्ड, यू शुड आस्क योरसेल्फ, आर यू श्योर। एंड इवन इफ यू आर श्योर, यू शुड गो बैक टू रूल नंबर 1, हम दो हमारा एक, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब फैमिली प्लान करने के लिए अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, ओके, सो व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन अवॉइड प्रेगनेंसी। Different ways of avoiding pregnancy in Hi-Fi language is called as contraception. So what are the different ways of contraception? Contraception means to avoid pregnancy. So what are the different ways to avoid pregnancy? Number one, the couple can make use of condom while having sexual intercourse. This is made up of latex material which is worn over the penis and this prevents pregnancy. Second, couples can use OCP, oral contraceptive pills. Oral contraceptive pills वो दवाइयां होती हैं जो मेल और फीमेल खा सकते हैं, जिसके वजह से उनमें गैमेट्स नहीं बनेंगे, और अगर बन रहे हैं गैमेट्स तो वो गैमेट्स आपस में कंबाइन नहीं होंगे, सो दैट कपल कैन हैव सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बट द फीमेल विल नॉट बिकम प्रेग्नेंट। इसको बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, हिंदी में इसको बोलते हैं गर्भ निरोधक गोलियां। मेरी हिंदी भी अच्छी है। समास। नंबर 3, फीमेल्स कैन मेक यूज ऑफ वन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज कॉपर टी। कॉपर टी का वर्किंग ऐसा होता है ना कि समझो ये फीमेल का यूट्रस है, ये वजाइना है और ये ओविडम, ये ओवरी। अब ओवरी ओवम छोड़ता है, वो ओवम ऊपर की तरफ आता है और स्पर्म यहां से आता है, ओवम के साथ कंबाइन करने की कोशिश करता है,
कॉपर टी एक ऐसा छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो टी शेप का होता है, अल्फाबेट टी की तरह। ये देखो, ये उसके दो फ्लैप है, ओके, और ये उसका नीचे का फ्लैप, और यहां थ्रेड होता है। तो डॉक्टर इस कॉपर टी को फोल्ड करके क्लिनिक में अंडर प्रॉपर प्रिकॉशंस उसको फीमेल के वजाइना से इंसर्ट करता है, और वो कॉपर टी यहां पर आके प्रॉपरली इस तरीके से फिट हो जाता है। ओके, अब क्या होता है ना, द थ्रेड ऑफ द कॉपर टी इज ऑलवेज आउटसाइड द वजाइना। अब व्हेन दिस कपल इज हैविंग सेक्स, ओके, व्हेन द स्पर्म इज एंटरिंग, अब देखो ना, स्पर्म यहां तक पहुंचेगा, अब कॉपर टी का ये वाला पार्ट इज एक्टिंग एज बैरियर सो दैट स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हो पाए। ओके, इस कॉपर टी को अगर एक फीमेल में इंसर्ट किया तो इसको 5 साल तक रखा जा सकता है, यानी 5 साल तक अगर ये फीमेल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट करती है अपने हस्बैंड के साथ तो ये प्रेग्नेंट नहीं होगी, और 5 साल के बाद इसको डॉक्टर वापस से निकाल देगा। ये समझा? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका बेटा। ऑलराइट बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने बात किया था शुरुआत में, वी स्पोक अबाउट ट्विंस, ओके, उसके बाद हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव डिजीज के बारे में बात किया, और उसके बाद हमने डिस्कस किया फैमिली प्लानिंग के बारे में। इस लेक्चर के अंत में एक बात याद रखना, पूर्वज कहा करते थे हम दो हमारे गिन लो, फिर आया नेक्स्ट जनरेशन जो कहता हम दो हमारे दो, और तुम याद रखो हम दो हमारा एक। सो हम दो हमारे गिन लो, और आने वाले पीढ़ी में हम दो हमारे सोच लो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, सो रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो, थैंक यू।